हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल होवोटेक हिंदी चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक एंट की तरफ से आने वाला ई स्पोर्ट RGB फैन। तो दोस्तों, आज हम इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि आपको ये खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे आपको RGB फैन मिल जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ खास है वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, इसके जो प्रोस और कॉन्स है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों, इसकी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहले हमारा फ़ैन है, तो हम इस फ़ैन को देखते हैं कि हमारा फ़ैन की जो क्वालिटी है वो कैसी है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ैन है वो वाइट कलर का है। बेसिकली वाइट कलर का नहीं है कि इसके चारों तरफ जो आप ये रिंग्स देख रहे हैं, तो ये रिंग्स के अंदर ही आपको RGB मिलती है। तो इन्हीं के अंदर से आपको ये जो RGB है वो शो होगी। तो इसकी जो आपको दोनों तरफ RGB देखने को मिलती है, ये जो वाइट कलर की आपको इसमें रिंग्स मिलती हैं, इसी के अंदर आपको RGB देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको पीछे एक एंट ई स्पोर्ट्स की एक ब्रांडिंग मिलती है। इसकी जो बाकी जो क्वालिटी है वो भी बिल्कुल अच्छी है, काफ़ी ठीक ठाक है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। शायद आपको कैसी लगी वो तो आप इसे देख कर ही बताइएगा। तो इसमें फ्रंट में आपको एक ई एंट की स्पोर्ट की एक ब्रांडिंग मिलती है, और इसमें आपको मिलते हैं कुछ स्क्रूज मिलते हैं। तो आप इन्हीं स्क्रूज की हेल्प से आप इसे अपने PC में लगा पाएंगे। तो इसमें आपको टोटल 4 स्क्रूज मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं। इन्हें हम रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में और क्या देखने को मिलता है। तो हमें बॉक्स में और देखने को मिलता है, हमें एंट ई स्पोर्ट की तरफ से आने वाला एक कार्ड, जिसमें आपको एक वेलकम एक नोट है। तो फिलहाल ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, इसमें वेबसाइट और बाकी चीज़ें हैं। रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में और क्या है। तो आप देख सकते हैं बॉक्स तो खाली हो चुका है। और उसके बाद हमारा ये जो फ़ैन है थोड़ा सा सिंपल है, तो लेकिन ये काफ़ी अच्छा फ़ैन है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको बैक में एक एंड की एक ब्रांडिंग मिलती है, और साइड में से इसके जो आपकी क्वालिटी है वो देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। आपको ये जो सामने जो रिंग्स हैं, इसी के अंदर आपको इसमें RGB मिलती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और ये इसका कनेक्टर है, इसमें आपको एक मोलेक्स कनेक्टर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसका ये जो कनेक्टर है सिर्फ ये आपको पावर करने के लिए आता है, जिसमें ये एक ऑटो RGB एक फ़ैन है। तो इसके अलावा इसमें मदरबोर्ड कनेक्ट करने के लिए कोई पिन इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है। एक इसमें ये छोटी सी कमी है, क्योंकि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इसकी RGB को, तो एक ये छोटी सी कमी है। तो दोस्तों, इसमें आपको एक कलर साइकिल मिलती है जो चेंज होती रहती है बिल्कुल ऑटोमेटिक RGB के साथ। ये फैन आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको 9 फैन ब्लेड मिलते हैं, जो इसके जो ब्लेड हैं वो आपको ट्रांसलूसेंट मिलते हैं, जो इसकी जो RGB है उसको स्प्रेड करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन ये दोनों तरफ और इसके चारों तरफ आपने देखा है कि इसमें आपको एंटी वाइब्रेशन रबड़ मिलती है, जो इस बात का इंश्योर करता है कि जब मान लीजिए जब आपका फैन स्पिन करेगा तो ये बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं करेगा। और इसके अंदर आपको हाइड्रोलिक जो इसका बैरिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है, तो इसके कारण इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये आपका 1200 RPM स्पीड के साथ आता है, जो आपके जो PC के अंदर जो हीट बनती है उसको डिफीट करने में काफ़ी PC को काफ़ी हेल्प करेगी। और इसका जो एयर फ्लो है वो 38 CFM आपको देखने को मिलता है। आप इसे किसी भी नॉर्मल या गेमिंग कैबिनेट में लगा सकते हैं, जिसमें आपको 120 mm का एक कनेक्टर देखने को मिलता है, और आप इसमें एक मोलेक्स कनेक्टर मिलता है, तो आप उसकी हेल्प से भी आप इसे पावर दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बिल्कुल ऑटोमेटिक RGB है। तो दोस्तों, बाकी जो फैंस आते हैं आपको उसमें देखने को मिलेगा कि उसके चारों तरफ में आपको रिंग्स नहीं मिलती हैं, जो इसके फैंस होते हैं सिर्फ आपको उनमें RGB देखने को मिलती है। लेकिन इसमें एक यही इसका एक प्रॉस इसमें आपको पॉइंट मिलता है कि आपको इसमें चारों तरफ रिंग मिल, तो इसमें आपको दोनों तरफ रिंग देखने को मिलती है, तो इसकी जो खूबसूरती है थोड़ी सी बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसमें जो इसका एक थोड़ा सा कॉन्स है, वो कॉन्स ये है कि इसकी जो आपको लाइफ मिलती है, तो वो जो इसकी लाइफ है सिर्फ 30,000 घंटे देखने को मिलती है। तो बाकी जो आपको जो फ़ैन आते हैं उसमें आपको लैक से ऊपर जो आर्स होते हैं उसमें आपको वो देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर मैं इसके लाइफ स्पैन जो इसके आर्स हैं अगर मैं उनको छोड़ दूँ तो, और बाकी इस फैन की बात करूँ, तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, जो एंड की तरफ से जो इस फैन में काफ़ी अच्छा काम किया गया, तो ये फ़ैन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों, ये जो आपको सुपर फिलो 120 जो ऑटो RGB है, इसकी जो आपने देखा कि इसमें जो RGB है वो चेंज होती रहती है, बिल्कुल स्टेडी नहीं है, वो ऑटोमेटिक RGB है। इसमें मल्टी कलर्स हैं जो चेंज होते रहते हैं, जो आपको 500 रुपये तक में आपको एक अच्छा फ़ैन देखने को मिल जाता है। तो बाकी जो फैंस आते हैं उसमें आपको चारों तरफ रिंग्स नहीं मिलती है, सिर्फ आप उनके जो फैंस होते हैं RGB देखने को मिलती है। लेकिन ये फ़ैन ऐसा है जिसमें आपको रिंग्स है चारों तरफ, उनमें भी आपको RGB देखने को मिलती है, जो बाकी फैन से देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग दूसरे फैन से काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये फ़ैन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस फैन को खरीदना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी
अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करती है आपको इस फैन को खरीदने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।